Friends, in this class, we shall learn about the uses of this and that. Now, look at the table. Something is near and something is far. तुमने कितने चैप्टर किए? If you have single thing in your hand, that can be count. जो गिनी जा सकती है, एक ही चीज आपके पास हो, तो वो है singular, यानी कि एक वचन. और कोई चीज दो या दो से अधिक की संख्या में हो, two or more than two, और वो कहलाती है बहुवचन. मान लीजिए ये पेन है. क्या है? पेन. सिंगुलर है या प्लूरल है बताइए? सिंगुलर है. चलो ये अब क्या हो गया है? प्लूरल. ये अब क्या हो गया है? प्लूरल. प्लूरल. ये अब क्या हो गया है? प्लूरल. तो आप देखेंगे कि कोई वस्तु एक ही है तो वो सिंगुलर है, एक वचन है, और दो या दो से अधिक कितनी भी है वो क्या कहलाएगी? प्लूरल. चलो आगे बात करते हैं अपन कि नियर कोई चीज पास में है तो दिस का प्रयोग करेंगे और दूर है तो दैट का प्रयोग करेंगे. अब यू समझना, दिस इज अ पेन, दिस इज अ चॉक, दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेपर, दिस इज अ वॉच. समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही है? चलो ये पास में है तो, और यही चीज तो दूर हो, दैट इज अ बुक, दैट इज अ पेन, दैट इज अ फैन, that is a car, that is a bike, that is a window, that is a table, that is a chair. समझ आ रहा है? तो पास में हो तो this का प्रयोग करेंगे और दूर है तो किसका प्रयोग करेंगे? That का. अब इसका दूसरा concept समझना plural वाला. In the next session, we are going to learn about plural. बहुवचन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. बहुवचन होता क्या है? I have already told you about. पहले से इसके बारे में बता चुका हूं. अब देखिए बहुवचन होता दो या दो से अधिक, यानी ये चौक है तो सिंगुलर है और ये दो हो गई, क्या हो गई? प्लूरल हो गई ना, बहुवचन हो गया. चलो तो अगर पास में कोई चीज है बहुवचन तो वहां पर दिस नहीं आएगा, दिस आएगा. जैसे देखना दिस इज ए बुक, तो ये दिस इज ए बुक. समझ आ गया? लेकिन अगर मेरे पास बुक्स दो हो गई, अब मुझे बताओ दिस आएगा क्या? No, नहीं आएगा. अब क्या आएगा? दीज आर बुक्स. दिस के साथ इज आएगा लेकिन दीज के साथ क्या आएगा? आर. दीज आर बुक्स. चलो ठीक है, अब बात करते हैं दैट की. दैट इज ए कार, दैट इज ए पेन. लेकिन अगर वहां पर भी दूर में भी अगर कोई चीज ज्यादा हो, प्लूरल में हो, तो किसका प्रयोग करेंगे? दोज का. दोज आर cars, those are pens, those are tables. समझ आई बात? अब मैं सेंटेंस बोलूंगा, आपको दिस को दैट में बदलना है. चलो दिस इज अ पेन, बोलिए दैट इज अ पेन. दिस इज अ पेपर, दिस इज अ टेबल. दिस इज अ फैन, दिस इज अ चेयर. दिस इज अ वॉच. समझ आ गया? तो दिस दैट को समझ गया, निकल में दिस, दूर में दैट. अब मैं दिस दीज बोलूंगा, आपको दोज बोलना है, ठीक है ना? दीज आर पेंस, दीज आर चॉक्स, दीज आर चेयर्स, दीज आर फिंगर्स,